हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, सबको बताना चाहते हैं, जिन लोगों ने 10th पास करके आईटीआई किया हुआ है या इंजीनियरिंग किया है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, देखिए इसमें वैकेंसी बहुत अच्छी है। ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र भारत सरकार का एक उपक्रम, तो यहाँ से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक बढ़िया सी रिक्रूटमेंट आई हुई है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई के लिए एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो 10th पास है और आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रीशियन से आपका सर्टिफिकेट हो आईटीआई का, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग हो। देखिए, ये सब बातें बताने वाला हूँ, तो अगर आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो नीचे सब्सक्राइब की रेड कलर की बटन आपको नीचे दिख रही होगी, उसको दबा करके हमसे जुड़ जाएँ और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से इसी प्रकार की आपको गुड न्यूज़ मिलती रहेंगी और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड में आपको कैसे अप्लाई करना होगा, और वैकेंसी बहुत अच्छी है। देखिए, बताना चाहूँगा, जो टोटल पोस्ट है वो 664 पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और ये जो वैकेंसी है इसके लिए फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, देखिए 5 तारीख से ऑनलाइन होना फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट है 25 तारीख, ठीक है। तो आपको देखना ये है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो एलिजिबिलिटी के लिए मैंने बता रखा है। बाकी आप जब यहाँ पर आएंगे, ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का ऑफिशियल पेज ओपन करने के लिए vizagsteel.com, ये आपको गूगल पर सर्च करना है। और यहाँ कैरियर पे आएंगे, कैरियर पे आने के बाद में पेज जो ओपन हुआ ये अपडेट हो जाएगा, और इसके बाद में नीचे आपको दिया हुआ क्लिक हियर टू ओपन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो जूनियर पोस्ट जूनियर ट्रेनीज की पोस्ट आई हुई है यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, यहां पर दिया हुआ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन और कुछ इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, ठीक है ना। तो पहले तो हमें क्या जरूरी होते हैं, इंस्ट्रक्शन लेना। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, पहले तो देखेंगे जूनियर ट्रेनी का एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो यहां से एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे और ये पीडीएफ देखिए ओपन हो जाएगी, ठीक है ना, ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसको जूम कर लेते हैं, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि बहुत ही जरूरी है हमें जानने के लिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि देखिए वैकेंसी कितनी अच्छी है, मैकेनिकल के लिए 344 है और इलेक्ट्रिकल के लिए 203 है। और नेक्स्ट नीचे देखेंगे तो मेटलर्जी के लिए भी, देखिए कुछ लोगों ने अगर मेटलर्जी से अगर इंजीनियरिंग की हुई है तो उनके लिए 98 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 19 है, टोटल 664 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। देखिए ये तो छूट में हो गया, ये SC ST को 32 साल और इसमें 32 साल मैक्सिमम, और जो नॉन क्रीमी लेयर है OBC की बात करें तो 30 साल है, और जनरल UR की बात करें तो यहाँ पर 27 साल है, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं मैकेनिकल के लिए। देखिए फिटर आपके पास अगर NCVT सर्टिफिकेट है या मशीनिस्ट का है या मेलवेट का है या टर्नर का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 10th इसके लिए पास होना चाहिए। 10th पास सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हो, मेट्रिकुलेशन और प्लस IDF को लगाना है, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, या फिर इसके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का, या फिर आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है ना। तो या फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एडिशनल एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए इंटरमीडिएट बोला है और BSc ग्रेजुएशन बोला हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर हाइयर क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, हाइयर क्वालिफिकेशन आपकी BTech हो या MBA हो या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो आप। चलिए ये आपने देख लिया, ये आपको PDF यहाँ से डाउनलोड करके पूरे जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं सारे आपको रीड कर लेना, ठीक है ना। फिर आते हैं, आपको जब फॉर्म ऑनलाइन करना होगा तो वहाँ पर जब आप जाएंगे, ये न्यू यूज़र है, न्यू यूज़र में जाएंगे देन ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट डेट क्या है, और फॉर्म ऑनलाइन 5 तारीख से स्टार्ट हो गया था, 25 तारीख लास्ट डेट है इसकी, और 26 तारीख को लास्ट डेट होगी फीस सबमिट करने की, ठीक है ना। 10 अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि एग्जामिनेशन में क्या क्या आना है। एग्जामिनेशन में देखिए जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग आ जाएगा और जनरल नॉलेज हो जाएगा आपका, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज ही आएगी। और यहाँ पर डोमेन साफी इससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएगा, टेक्निकल मतलब जिससे आपने आईटी किया हुआ है या डिप्लोमा
जिससे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। नीचे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपको